हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं कपिल स्कूल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 10 की सारी प्रमेय देखी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यूनिट 11 की प्रमेय देखेंगे। यूनिट 11 की जितनी प्रमेय है उनको कवर करेंगे। तो यूनिट 11 का नाम क्या है, समरूपता, सिमिलैरिटी, समरूपता। इसकी कुल 8 प्रमेय है, तो 8 प्रमेय को एक क्लास में तो कवर करना संभव है नहीं, तो इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। इसमें से पार्ट वन अब हम कर रहे हैं। देखो, समरूपता के जितने भी नियम और प्रतिबंध है वो तो हमने समझ लिए थे। कौन कौन से नियम थे? पहला नियम था एस एस एस, दूसरा एस ए एस, और तीसरा नियम इसका क्या था, ए ए या ए ए ए, डबल ए और ट्रिपल ए। भुजा भुजा भुजा, इसका नाम, इसका मतलब क्या था, तीनों भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। भुजा कोण भुजा, इसका मतलब दो भुजाओं का अनुपात समान और एक कोण समान होना चाहिए। और तीसरे का मतलब या तो दो कोण समान या तीनों कोण समान, तो हम क्या कह देंगे, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ये तो हो गए समरूपता के नियम। अब इससे जुड़ी हुई जितनी भी प्रमेय है वो हम देखें। सबसे पहले देखते हैं प्रमेय नंबर एक, पहली प्रमेय। प्रमेय एक क्या कहती है, देखो चित्र बना लेते हैं पहले। प्रमेय एक का कथन क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है कौन सा, ए बी सी। इसमें भुजा बी सी के समांतर एक अन्य रेखा डी ई है। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें हमने क्या किया, भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा खींची। कौन सी, DE। DE समांतर है किसके, BC के। हमें ये सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC। यानी ये जो रेखा है DE जो BC के समांतर है, ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय का क्या नाम है, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसको हम कह सकते हैं थेल्स प्रमेय या फिर समान अनुपातिक प्रमेय। दूसरा नाम इसका क्या है, समान अनुपातिक प्रमेय। देखिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं किसी भी प्रमेय में, दिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। देखो क्या दिया है बताओ, हमें दिया है कि DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर BC। दूसरा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि दोनों भुजाओं का अनुपात समान है, AD बटे BD बराबर AE बटे इसी, ये हमें सिद्ध करना है। तीसरा हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से ऐड करेंगे, इसको हम कहते हैं रचना। अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्या करेंगे देखो, और उसका कारण भी समझेंगे कि हमने क्यों किया। देखो क्या करेंगे, बी को ई से मिलाया और सी को डी से मिलाया। इसके बाद में डी से एक लंब खींचा ए सी पर और ई से भी एक लंब खींचा ए बी पर। दोनों से हमने क्या खींचे, लंब खींचे। देखो लंब यानी 90 डिग्री का कोण, लंब यानी 90 डिग्री का कोण। अब हमने लंब क्यों खींचे, इसका कारण देखेंगे। इसका कारण हमें मिलेगा, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, देखो AD बटे BD और AE बटे EC, क्या ये आपको आधार नजर आ रहे हैं। AD किसका आधार है, त्रिभुज ADE का, और BD किसका आधार है, त्रिभुज बी डी ई का। इसी प्रकार ये दोनों भी इन्हीं दोनों त्रिभुजों के आधार हैं। और आधार से जुड़ा हुआ कोई सूत्र आपको याद है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × आधार × ऊंचाई होता है। 1/2 × आधार × ऊंचाई। आधार हमारे पास है, ऊंचाई लाने के लिए हमने क्या किया, दोनों पर लंब खींच दिया। क्योंकि ऊंचाई किसे कहते हैं, किसी भी त्रिभुज में सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को, 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर दो ऊंचाइयां खींची।
तो हमने क्यों किया, समझ में आया आपको? दोबारा से खींच देते हैं। देखो, बी को ई से मिलाया था और सी को हमने डी से मिलाया था, फिर इन दोनों पे क्या खींच दी, ऊंचाइयां खींच दी, लंब खींच दिए। ये भी 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण, ये हमने रचना कर दी, इसको हमने कहा रचना। तो देखो रचना में क्या लिखेंगे, बी ई व सी डी को मिलाया, बी ई व सी डी को क्या किया हमने, मिलाया। दो नंबर क्या लिखेंगे, इसको कुछ भी नाम दे दो, जैसे ई के बाद में एफ और जी। क्या कौन कौन से लंब खींचे, डी जी लंब खींचा किस पे, एसी पे, वह और कौन सा लंब खींचा, ई एफ लंब खींचा किस पे, एबी पे, लंब खींचे, लंब खींचे। ये हो गई रचना। अब हम लिखेंगे उपपत्ति। अब हमारे मुख्य सवाल की शुरुआत होती है उपपत्ति। देखो क्या करेंगे, देखो उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं बताओ, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे लिखेंगे 1/2 गुणा आधार क्या है बताओ, ए डी ई का आधार ए डी है, और गुणा ऊंचाई क्या है इसकी, ई एफ, ऊंचाई क्या है, ई एफ। दो नंबर क्या लिखेंगे, नीचे वाला त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार क्या है इसका, डी बी, और ऊंचाई इसकी भी यही है, इसकी भी ऊंचाई क्या है, ई एफ, डी बी गुणा ई एफ। अब क्या करो, दोनों में भाग दे दो दोनों का, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और इसमें भाग दे दिया किसका, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, इसका भाग दे दिया। तो भाग देने पे बताओ क्या आएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए डी बटे डी बी, यही बचेगा। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर एक। अब आगे चलेंगे, देखो इसी प्रकार से दोबारा से निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। अब की बार देखो, एक बार तो ये हमने लंब ले, ये आधार ले लिया, अब की बार ये आधार लेंगे एई, इस आधार से करेंगे, देखो 1/2 गुणा एई गुणा, और लंब क्या है इसका, अब की बार लंब क्या होगा, डी जी, एई गुणा डी जी, और दूसरी बार ये त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डीई सी का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, 1/2 गुणा आधार क्या है इसका, ई सी, और लंब क्या है, लंब वही है ऊंचाई, डी जी, ई सी गुणा डी जी। अब फिर से क्या करना है, दोनों का भाग दे दो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, क्या आएगा, देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, डी जी से डी जी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बटे ईसी। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर दो। इसको हमने क्या कह दिया, समीकरण नंबर दो कह दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण एक व दो से इसके नीचे लिखेंगे, समीकरण एक व दो से, एक व दो से हम क्या कह सकते हैं, देखो एक भाग इसका बराबर करना पड़ेगा, त्रिभुज ए डी और ए डी दोनों बराबर हैं, नीचे वाला बताओ बराबर है क्या, डी बी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल और डी ई सी का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि आधार भी समान है और ऊंचाई भी दोनों की समान है, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो ऊंचाई समान ही रहेगी, अतः एल एच एस दोनों का बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, यानी ए डी बटे डी बी बराबर हो गया किसके, ए बटे ई सी। और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। क्या किया, सबसे पहले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का भाग दिया दो तरीकों से, और दोनों को क्या,
अब हम करते हैं प्रमेय नंबर दो, दूसरी प्रमेय। ये क्या है? ये प्रमेय नंबर एक का ही उल्टा है। प्रमेय दो का ही क्या है? विलोम प्रमेय है, यानी थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय, समान अनुपातिक प्रमेय की विलोम प्रमेय करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम प्रमेय। ये क्या कहती है? देखो, थेल्स प्रमेय क्या कह रही थी कि एक त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। इसमें बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी, कौन सी? डीई। बीसी के समांतर एक अन्य रेखा कौन सी खींच दी? डीई। ये त्रिभुज बना दिया एबीसी। बीसी के समांतर हमने एक अन्य रेखा खींच दी डीई। तो हमें सिद्ध करना था कि एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी। अब उल्टा करेंगे, दिया है में तो क्या लिखेंगे? एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी, और सिद्ध करना है में क्या लिखेंगे? डीई समांतर है बीसी। बिल्कुल उल्टी प्रमेय हो गई। हमें दिया हुआ क्या है? दिया है, क्या दिया है? देखो, हमें दिया है कि एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी, और सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है जो उस प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में दिया है में लिखा था, वो सिद्ध करना है में लिख दो। क्या? कि DE समांतर है किसके? BC के। अब फिर से क्या करेंगे? अब हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या, कैसे करना है सवाल को? जब कुछ भी समझ में नहीं आए ना कैसे करना है, तो क्या करते हो आप? जो भी हमें सिद्ध करना है ना उसका उल्टा मान लो। हम ये मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। DE BC के समांतर नहीं है, ये हम मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि DE BC के समांतर नहीं है, तो कोई तो रेखा होगी जो BC के समांतर होगी। वो हमने मान ली DF। वो हमने कौन सी रेखा मान ली? DF मान ली। हमने ये मान लिया कि DF समांतर है किसके? BC के। दोनों BC, DF समांतर है किसके? BC के। अब उपपत्ति में, रचना में हम क्या करेंगे? रचना में हम ये लिखेंगे कि माना DF समांतर है किसके? BC के। अगर DE BC के समांतर नहीं है तो कोई तो रेखा होगी जो BC के समांतर होगी, तो वो हमने मान ली DF। अब हम करेंगे उपपत्ति। देखो, अगर DF BC के समांतर है, क्या लिखोगे? क्योंकि DF समांतर है BC के। DF किसके समांतर है? BC के समांतर है। अगर ये समांतर है तो हमारी थेल्स प्रमेय लगेगी, इसलिए थेल्स प्रमेय क्या कहती है? अगर दो रेखाएं समांतर है तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, यानी AD बटे BD बराबर होगा AF बटे FC के। थेल्स प्रमेय से हमने सिद्ध कर दिया कि AD बटे BD बराबर AF बटे FC, लेकिन दिया क्या है हमें? AD बटे BD बराबर ए बटे इसी। दिया तो हमें ये है और हमने ये लिखा है। देखो, दोनों की LHS बराबर है, दोनों की ही कौन सी साइड बराबर है? LHS, यानी AD बटे BD भी ये बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? AF बटे FC बराबर ए बटे इसी, ये भी बराबर हो जाएगी। AF बटे FC बराबर ए बटे इसी। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब एक क्यों जोड़ा हमने? एक तभी जोड़ते हैं जब ऊपर और नीचे वाले दोनों का योग हमें लिखना हो। क्या करते हैं? AF बटे FC प्लस वन और AE बटे EC प्लस वन। दोनों तरफ कुछ भी करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करोगे? इसका LCM ले लो और ये ऊपर चला जाएगा। क्या आएगा? AF प्लस FC बटे FC और AE प्लस EC बटे EC। अब देखो, AF और FC दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा? AC बनेगा बटे FC, AC बटे FC। इधर भी दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? AC बनेगा और नीचे क्या आ जाएगा? EC। AC से AC कट जाएगा, FC बराबर आ गया EC, FC बराबर EC।
अब देखो आप ही बताओ, FC और EC कभी बराबर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। FC तो छोटा है EC से, साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो F बिंदु और जो E बिंदु है वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। F बिंदु ही E बिंदु है और E बिंदु ही F बिंदु है। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही क्या है, गंगाधर है। तो E F पर आ जाएगा और F E पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DE है वो भी समांतर हो गया किसके, BC के, क्योंकि DF समांतर है BC के और F और E तो एक ही बिंदु है, तो DE भी समांतर हो जाएगा BC के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम यही सिद्ध करना था। अब हम देखेंगे प्रमेय नंबर 3। तो प्रमेय तीसरी, चौथी और पांचवी है, तीनों एक जैसी है। अगर एक आपके समझ में आ गई तो तीनों आ जाएगी। देखो प्रमेय नंबर 3, प्रमेय 3 इसका नाम है आंतरिक कोण समद्विभाजन प्रमेय। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, समद्विभाजक यानी बराबर भागों में बांटने वाला, और अंदर के कोण को बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो देखो क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले तो एक त्रिभुज बना लिया हमने ABC, ABC नाम का क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया A B और C। इसमें क्या करना है, कोण A का आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचना है। कोण A को बराबर भागों में बांटने वाला, कोण A को बराबर भागों में बांटने वाला खींच दिया, खींच दिया। यानी अगर इसको एक नाम दें और इसको दो दें तो कोण एक बराबर है किसके, कोण दो के। इसको दे देते हैं डी। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बटे AC बराबर है BD बटे DC। AB बटे AC बराबर सिद्ध करना है किसके, BD बटे DC के, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे, अपनी तरफ से जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, देखो जो AD है, AD इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, AE CE सॉरी, इसके समांतर एक अन्य रेखा खींच दी हमने, कौन सी, सीई। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इसको, एडी के समांतर होनी चाहिए ये रेखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए को इससे मिला देते हैं, ई से, ए को ई से मिला देते हैं, इसको नाम दे दिया ई। ये किसके समांतर है, एडी के समांतर है, एडी समांतर सीई। इसको कोण 3 दे दिया और इसको कोण नंबर 4 दे दिया। ये एक थ्योरम आप अच्छे से समझ लो, चौथी और पांचवी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो दोनों ये क्या हो गई, समांतर रेखाएं हो गई, AD समांतर CE और A को E से मिला दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बताओ, हमें दिया हुआ है कि कोण एक बराबर कोण दो, सिद्ध करना है, दो नंबर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि जो AB बटे AC है वो बराबर होगा किसके, BD बटे DC के। इसके बाद में हमने रचना की, अपनी तरफ से कुछ जोड़ा, इसको कहते हैं रचना। क्या जोड़ा, AD समांतर EC खींची, AD समांतर EC खींची, वह A को E से मिलाया, A को E से क्या किया हमने, मिला दिया, मिलाया। इसके बाद में क्या करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति, देखो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, हमें पता है कि जो समांतर रेखाओं को जब एक तीर्यक रेखा काटती है तो इसमें कई नियम लगते हैं। कौन कौन से, एक तो लगता है एकांतर कोण, यानी एकांतर कोण क्या होता है, जेड के अंदर बनने वाले और जेड के बाहर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण। ये एक जेड बन रहा है समांतर रेखाओं से, यानी दो और तीन जो है ना वो एकांतर कोण हो गए और दोनों बराबर होंगे, कोण दो बराबर कोण तीन। इसी प्रकार कोण एक बराबर होगा कोण चार के, इन दोनों को कहते हैं संगत कोण, यानी समांतर रेखाओं के या तो ऊपर बने हुए कोण या नीचे बने हुए कोणों को कहते हैं संगत कोण। ये दोनों ऊपर बने हुए हैं अतः दोनों बराबर होंगे, कोण एक बराबर कोण चार। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, कोण एक बराबर कोण दो, ये तो हमें दिया हुआ है। इसके बाद में कोण दो बराबर कोण तीन, कौन से कोण हो गए, ये
एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण। और क्या लिखोगे, कोण एक बराबर कोण चार, ये दोनों कौन से कोण हो गए, संगत कोण, संगत कोण हो गए। अब देखो सारे कोण आपस में बराबर हो गए, एक बराबर दो, दो बराबर तीन, एक बराबर चार, यानी कोण एक बराबर दो बराबर तीन बराबर चार। इसका मतलब क्या हुआ, कोण तीन बराबर है किसके, कोण चार के। इसको आप एक नंबर डाल दो, कोण तीन बराबर क्या बता दिया आपने, चार नंबर, कोण तीन बराबर कोण चार। अब देखो क्या करेंगे, कोण तीन बराबर क्या हो गया, चार हो गया। अब देखो दो समांतर रेखाओं में, एक त्रिभुज में दो समांतर रेखाओं के लिए कौन सी प्रमेय देखी थी हमने, हेल्स प्रमेय। इसके अनुसार क्या था, BD बटे DC बराबर होना चाहिए किसके, AB बटे AE के। यहां से समांतर रेखा काट रही है तो ये जो दोनों भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होगा। क्या करोगे आप, थेल्स प्रमेय से, क्या लिखोगे, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हो कि BD बटे DC बराबर होगा किसके, AB बटे AE के। BD बटे DC बराबर AB बटे AE। और तीन और चार देखो बराबर है, कोण तीन बराबर है किसके, कोण चार की। एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, तीन के सामने AE है और चार के सामने AC है। क्या लिखोगे, AE बराबर होगा AC के। क्यों, क्योंकि कोण तीन बराबर है कोण चार के, कारण भी लिखना होता है आपको। तो AE की जगह आप क्या लिख दोगे, AC लिख दोगे। यहां पर AE की जगह क्या लिख देंगे, AC, यानी BD बटे DC बराबर AB बटे AC। और देखो क्या यही सिद्ध करना था आपको, AB बटे AC बराबर BD बटे DC। लास्ट में क्या लिख दोगे, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अब देखो इससे अगली प्रमेय देखते हैं, इसके बिल्कुल एक जैसी प्रमेय होगी, इसके जैसी प्रमेय होगी बिल्कुल, प्रमेय नंबर चार। इसको क्या कहेंगे, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय की विलोम प्रमेय। इसकी विलोम प्रमेय देखनी है, विलोम। इसमें भी क्या करेंगे, ये सेम ही चित्र बनाएंगे, तो इसमें दोबारा से यही चित्र बना लेना, ठीक है। अब क्या लिखोगे, देखो दिया है, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। दिया है में क्या लिखोगे, जो इसके सिद्ध करना है में है ना, वो तो दिया है में लिख दो, और जो दिया है में है वो सिद्ध करना है में लिख दो, उल्टा लिखना है। दिया है क्या लिख दोगे, हमें दिया हुआ है AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ये तो हमने किस में लिख दिया, दिया है में। सिद्ध करना है में क्या लिखोगे, देखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में इसका दिया है लिख दो, कोण एक बराबर कोण दो। अब की बार इसको सिद्ध करना है हमें कि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो देखो कैसे करेंगे, दोनों कोणों को क्या दिखाना है हमें, बराबर दिखाना है। तो देखो यहां से करते हैं इसकी शुरुआत, उपपत्ति। रचना में भी आप ये लिख सकते हो, क्या लिखोगे रचना में, कि ए को ई से मिलाया, ए को ई से मिलाया और इस तरह से मिलाया कि ए बराबर हो जाए किसके, एसी के। ए किसके बराबर हो जाए, एसी के, उपपत्ति। अब की बार ये ध्यान रखना कि जो CE और जो AD समांतर थी ना पहले में, वो अब समांतर नहीं है, अब की बार हमने समांतर माना नहीं है, सिद्ध करना है। तो उपपत्ति में देखो क्या लिखेंगे, हमें ये दिया हुआ है कि AE बराबर AC है, AE बराबर AC है। जब दो भुजाएं समान होती है तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे, यानी कोण तीन बराबर होगा कोण चार के। कोष्टक में कारण क्या लिखोगे, क्योंकि AE बराबर है किसके, AC के, कोण तीन बराबर हो जाएगा किसके, चार के, कोण तीन बराबर चार। तो अब आपको पता है, दिया हुआ है आपको कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC, BD बटे DC। तो यहां पर आप क्या कर दोगे, AC की जगह लिख दोगे AE, AB बटे, उल्टा चलना है बिल्कुल। यहां से देखो पहले इसको लिखा, फिर ऊपर वाले को लिखा, कोण तीन बराबर चार, फिर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे AB बटे AC बराबर BD बटे DC की जगह क्या लिख दोगे, सॉरी
एसी की जगह हमें क्या लिखना था, ए लिखना था, एसी की जगह ए बराबर बीडी बटे डीसी। अब देखो बीडी बटे डीसी बराबर ए बी बटे ए, अगर ये हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से हम कह सकते हैं कि जो एडी है वो समांतर हो जाएगी, एडी समांतर हो जाएगी किसके, सीई के, एडी समांतर हो जाएगी किसके, सीई के। और समांतर रेखाओं में वो सारे नियम लगते हैं, कौन कौन से, कोण दो बराबर कोण तीन, कोण एक बराबर कोण चार, वही कारण लिखने हैं अब की बार भी, इसलिए सारे के सारे कोण क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। तो सारे कोण बराबर हो गए तो एक और दो भी क्या हो गए बराबर हो गए, इतनी सिद्धम। देखो फिर से देख लो, आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम कर रहे थे हम, दिया है में क्या लिखा, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे टी सी, तो इसके सिद्ध करना है में, सिद्ध करना है में क्या लिखा, तो इसके दिया है में, रचना में क्या किया, ए को ई से मिलाया, इस तरह से मिलाया कि ए ई बराबर आ जाए ए सी। अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं, दिया ऐसे ये लिख दिया हमने, लिख दिया क्या किया, ए ई बराबर है ए सी के, इसलिए ए सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए ई लिख दिया। अब दो भुजाओं का अगर अनुपात बराबर है तो समानुपातिक प्रमेय की विलोम प्रमेय से, थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से AD और CE दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए। और अगर दोनों समांतर हैं तो ये नियम लगेंगे, दो बराबर तीन और एक बराबर चार, दो बराबर तीन हो गया और एक बराबर क्या हो गया, चार हो गया। तो और तीन बराबर चार पहले से ही था तो एक बराबर भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, इति सिद्धम, इस प्रकार से सिद्ध हुआ। अब देखो हम करते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक पर, तीसरी प्रमेय, तीसरी चौथी प्रमेय सॉरी पांचवी प्रमेय, पांचवी प्रमेय का नाम क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय, बाह्य कोण, ये तो थी आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय, अब हम क्या करेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक प्रमेय। यहां पर तो आंतरिक कोण समद्विभाजित हो रहा था, अब की बार बाह्य कोण होगा। तो देखो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं, ये बिल्कुल इससे जुड़ी हुई है, एक जैसी है। तो देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, ए बी सी त्रिभुज बना लिया, इसको कह देंगे ए, इसको बी और इसको सी। अब इसका अर्धक खींचेंगे, ये रहा इसका अर्धक, इसको आधा आधा बांटने वाला, ये हो गया कि क्या इसका अर्धक, इसका अर्धक खींच लिया, जैसे यहां पर खींचा था अर्धक ए डी, वैसे यहां पर खींचेंगे। देखो वही नाम दे देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल सेम ही हो जाए, इसको ए कह देते हैं, इसको बी और इसको सी। अर्धक हमने क्या खींचा था, यहां पर ए डी खींचा था, यहां पर भी अर्धक क्या खींच देते हैं, ए डी खींच देते हैं, यहां पर भी कोण एक और दो, जैसे उधर किया था वैसे ही एक और दो, सेम ही नाम दे देते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया था, सी को और डी को क्या किया था हमने, मिलाया था, सी का मिला दिया, सी को और डी को क्या कर दिया हमने, मिला दिया। इसके बाद में यहां पर देखो क्या किया था, एडी के समांतर एक रेखा खींची थी सीई, यहां पर भी वही करना है, एडी के समांतर एक रेखा खींचनी है सीई, यहां खींचेगी ये त्रिभुज के अंदर, एडी के समांतर एक रेखा खींच दी जिसका नाम क्या है सीई, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, ये सी है और ये है ई, सीई समांतर है किसके, एडी के, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई समांतर। यहां पर नाम हमने क्या दिया था, तीन और चार, यहां पर भी नाम क्या दे देते हैं तीन और चार दे दिए। अब हम करेंगे इसका, इसको सिद्ध करेंगे। तो देखो यहां पर क्या सिद्ध करना था, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे बी सी, वही यहां पर सिद्ध करना है। तो पूरा का पूरा यही प्रमेय है, सबसे पहले देखो दिया है, दिया है में क्या है, क्या है कोण एक बराबर कोण दो, यही यहां पर है, दो नंबर सिद्ध करना है, सिद्ध भी यही करना है, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। रचना भी यही करनी है, ए डी समांतर इसी खींची, बिल्कुल खींची, और ए को ई से मिलाया, यहां पर भी यही करना है। उपपत्ति में क्या करना है, एक बराबर दो, यहां पर भी एक बराबर दो, फिर दो बराबर तीन क्योंकि एकांतर कोण है तो दो बराबर तीन, फिर एक बराबर चार, एक बराबर चार संगत कोण, तो चारों ही कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, एक दो तीन और चार। अब चारों बराबर है तो तीन और चार भी बराबर होंगे, यानी जो ये तीन है वो चार के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
अगर ये बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, 3 के सामने AE और 4 के सामने AC, AE बराबर हो जाएगा किसके, AC के। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर भी यही करना है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, BD बटे DC बराबर AB बटे AE, BD बटे DC बराबर AB बटे AE, क्योंकि AE और EC दोनों आपस में बराबर है, तो AE की जगह AC रख दो, AC की जगह AE रख दो, AE की जगह हमने क्या रख दिया, AC, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, प्रमेय 5 में क्या करना है, बस चित्र अलग 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 बनाना है, बाकी पूरा का पूरा प्रमेय 3 ही उतारना है, वैसी की वैसी है, बिल्कुल वैसी प्रमेय 3। अगर आपने ये कोण सही से लिखे हैं तो ऊपर 1 लिखना, नीचे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, तो पूरा का पूरा वही हो जाएगा जैसा हमने प्रमेय 3 में किया था। प्रमेय 3 और प्रमेय 5 का जो भी, जो जैसा भी हमने सिद्ध करना है किया है, वैसा का वैसा ही 5 में करना है, 3 और 5 में बिल्कुल सेम है, बस अलग क्या है, चित्र अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। और प्रमेय 4 में क्या करना है, यहाँ से उतारना शुरू करना है नीचे से, कि BD बटे DC बराबर AB बटे AC, AE बराबर AC, तो BD बटे DC बराबर AB बटे AE, तो थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय से दोनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और समांतर में ये दोनों तीनों नियम लगेंगे, लगेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा 2, नीचे से शुरू करना है और इधर ऊपर तक आना है, ये हो जाएगा प्रमेय नंबर 4। प्रमेय 5 क्या होगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही, और प्रमेय 3 आपको एक अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आप प्रमेय 3 समझ गए तो 4 में क्या करना है, नीचे से उतारना है ऊपर तक जाना है, प्रमेय 5 में क्या करना है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही उतारना है, बस चित्र अलग है, तो 3, 4 और 5 बिल्कुल एक जैसी है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 5 प्रमेय पढ़ ली, प्रमेय 5 पढ़ ली। अब 3 प्रमेय और बच गई, कौन कौन सी, एक तो SSS, एक SAS और एक AA या AAA, ये 3 प्रमेय और बच गई, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, अगर कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।